आप जी जी इस समय बड़ी खबर आ रही है जो ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पे बड़ा हमला किया है, कहा है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, गरीबों के प्रति काम नहीं कर रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऑल पार्टी मीटिंग में ये हमला किया है। देखिए जी जी कटारिया जी, मजदूर की किसी को चिंता नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए काम कर रही है। अब प्रताप सिंह जी भी बोल रहे हैं बीजेपी अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए काम कर रही है। जनता ने आपका सूपड़ा साफ कर दिया है, उत्तर प्रदेश में आप खड़े होने वाले नहीं हो, उत्तर प्रदेश में आपकी कोई स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है और हालत आपकी रावण है। रूपी घमंड आपको खत्म करेगा। ये जो घमंड की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है उससे ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को मजदूरों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में कह रही है उत्तर प्रदेश हमारा है, छात्र छात्राएं नौजवान चाहे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में है, जो हिंदुस्तान के नौवे हाल कहलाते हैं, जो नौजवान हिंदुस्तान के मालिक है, आपको सरकार जवानों से आपको कोई सरोकार नहीं है, छात्र छात्राओं से आपको कोई सरोकार नहीं है। सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, लॉकडाउन से बाहर आने की कोई रणनीति नहीं है, 20 लाख करोड़ का पैकेज क्रूर और भद्दा मजाक है देश की जनता के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, सोनिया गांधी ने अटैक करा, यहाँ पर प्रताप सिंह जी बहुत बातें बोल रहे हैं, खेड़ा साहब ने भी बहुत कुछ बोला, योर रिएक्शन क्विकली ऑन सोनिया गांधी। अब मैं विनम्रता से प्रताप जी और पवन जी से अपेक्षा करूंगा कि जितनी शांति से मैंने बात सुनी है कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका देंगे। सत्य बात आपको बिल्कुल कोई बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन असत्य बोलेंगे तो माफ कीजिएगा, कुछ बोलना पड़ेगा। चलिए अब असत्य पर ही कह देते हैं, पवन जी झूठ कौन बोल रहा है ये तो हमारे और आपके अलग अलग विचार। शुरू कीजिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर किसको कहना पड़ा कि मैंने झूठ बोला था, रफेल के मामले में राहुल गांधी को कहना पड़ा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैंने झूठ बोला, गलत कोट किया था, इसलिए अब झूठ का भाषण मत दीजिए। अब आइए, क्योंकि आप झूठ का लेकर बहुत बोलते हैं ना, और आप सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोल रहे हैं कि मजदूर पैदल नहीं चल रहे, इससे बड़ा झूठ है क्या? पहले बताइए राहुल गांधी ने झूठ बोला था कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय में, माफी मांगी थी कि नहीं बोली, हां या ना? नरेंद्र दामोदर दास, इसलिए आप झूठ की बात मत करिए, सर्वोच्च न्यायालय में झूठे सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, इसीलिए आप तो नेता बना रहे, एक महीना आप ये कर रहे, मुझे पता है। अब मैं दूसरा झूठ बोला, पैदल नहीं चल रहा पवन जी, पवन जी और सुधांशु जी, एक एक करके आप लोग बोलिए ना, एक काम करिए, देखिए देखिए आप एक दूसरे के झूठ पकड़ेंगे तो एक दूसरे को पकड़ते ही रहेंगे। मेरा निवेदन ये है कि 40-40 सेकंड बोलिए आप दोनों, 40-40 सेकंड आप बोलिए, एक सेकंड। सुधांशु जी, इस समय की जो बड़ी खबर है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? अब आ रहा हूं वर्तमान विषय पे, जी जी प्लीज, विषय पे आ रहा हूं, माफी से शुरू करें, माफी की ही बात कर रहे हैं, चलिए वीर सावरकर की माफी से शुरू करते हैं। वीर सावरकर की सुन लीजिए, 1910 में वीर सावरकर को सजा हुई थी और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम मेडल वन, इतिहास में ही अंग्रेज सेक्रेटरी आपका अध्यक्ष था, छोड़िए हम बात को, दो बार तीन, अरे अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी आपका अध्यक्ष था जिस साल वीर सावरकर को सजा हुई, इतिहास छोड़िए चलना है। अब आइए वीर सावरकर, देखिए आप देखिए पवन जी राजा फैलाने लगे, क्योंकि फैक्ट बड़े लिमिटेड है, मजदूरों से माफी मांगिए जिनके बारे में आ रहे मजदूरों पे आ रहे बोला कि कोई भी मजदूर, पवन जी अगर मजदूरों से माफी मांगनी पड़ेगी तो देश की हर सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, हर राज्य से, जो महिला सूटकेस पर अपने बच्चे को लेकर चल रही थी वो पंजाब से चल रही थी और उत्तर प्रदेश से आई, उत्तर प्रदेश में पहुंची आगरा में जाकर उसको बस मिली, ये तो इसलिए अगर मजदूरों पे माफी मांगेंगे तो देश की हर सरकार को आज माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 4 दिन से मैंने मजदूरों के अलावा कोई बहस नहीं करी है, इसीलिए देखिए अमित जी बोल रहे हैं, अमित जी देखिए केंद्र सरकार, देखिए वो अधीर हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, केंद्र सरकार पवन जी ना आपकी मजदूरों पे ना हमारी, एनडीएमए अभिजीत बनर्जी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, राज्य के जिनसे राहुल गांधी जी ने विचार विमर्श किया, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, आप कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी बात सुन लीजिए, इनको कानून बताना मुझे पड़ेगा, ये तो गृह मंत्री के सलाहकार रहे हुए हैं, जब एनडीएमए लगा हुआ होता है
तो कितने अधिकार होते हैं राज्य सरकारों के पास, जरा पूछिए सुधांशु जी से। सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला कि एक भी मजदूर सड़क पर पैदल, ठीक है पवन, पवन जी आपने बात बोली, पवन जी आपने बोली, माफी मांगनी चाहिए, ठीक है पवन जी आपने बात बोली, सुधांशु चतुर्वेदी अब आप बोलिए, आप पवन जी आप बीच में बोलेगा, सुधांशु जी अभी फिर भी आप पढ़ेंगे वो समस्या है मुझे पता है, फिर कूदेंगे। खैर अब मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, पवन जी नॉट फेयर, पवन जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। अब देखिए पवन जी दर्शक देख रहे हैं, लाखों दर्शक देख रहे हैं, अमीश अमीश आप देखिए पवन जी ने आपकी बात ना हमारी बात, निवेदन कर रहा हूं अगर ये एक भी असत्य बोलेंगे तो मैं जरूर टोकूंगा आपको। 40 सेकंड का राउंड कर दीजिएगा असत्य को, मेरा निवेदन है कि अपने फेलो पैनलिस्ट को बोलने देना चाहिए। पवन जी आप भी वरिष्ठ हैं, वो भी सांसद है, सुधांशु जी मुझे मुझे उम्मीद है कि इतनी इतनी मेच्योरिटी हम रखेंगे। आप देखिए आज तो ज्यादा मेहमान भी नहीं है, चार गेस्ट है सिर्फ, दो बीजेपी से दो कांग्रेस से, कि आप झूठ नहीं, सुधांशु जी बोलिए, सुधांशु जी बोलिए। अच्छा राहुल गांधी जी तो झूठ नहीं बोल सकते ना पवन जी, अमित जी चलिए पहले वादा कीजिए। अभिजीत बनर्जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो शांति है, आप देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप वादा करिए, एक वाक्य नहीं बोलने दे रहे, क्योंकि आप कोई कायदे की बात नहीं कर रहे ना, पहले तो माफी मांगिए मत। अच्छा आप तो अच्छा मैं कायदे का बिल्कुल कायदे कर रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी को कोट कर रहा हूँ, माफी मांगिए मुझे कांग्रेस पार्टी से। पर अभी कैसे माफी मांगेंगे ना सुधा पवन जी, पहले ये कैसे हो रही है, मेरी मेरी पवन जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आप देख रहे हैं।